हेलो दोस्तों, कई दिनों की बारिश के बाद आज मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। चमचमाती हुई धूप आ रही है और ये जैसे देख सकते हो आसमान भी काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा है। काफ़ी अच्छा वातावरण हो रखा है। ऐसे में मैं अपने खेतों में आया हूँ, धान के खेत में, और इस बारिश के बाद आज मैं देख रहा हूँ तो कि काफ़ी हद तक पूरे खेत में जो है धान की बालियाँ आ गई हैं। ये बारिश का काफ़ी फ़ायदा हुआ है धानों को। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान भी है। अगर ये रोज़ आती है तो जो इसका फल होता है वो डैमेज हो जाता है बारिश से। और ये काफ़ी हद तक मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप आगे आने के बाद ये जो अपने जानवर काफ़ी हद तक जो छूटे हुए हैं, लोग इनको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, उनके काम के नहीं रहते हैं तो छोड़ देते हैं। तो इसने जो है हमारे खेतों में आकर के हमारे धानों को चून लिया है। ये बड़े पौधे और ये छोटे पौधों का अंतर दिखाई दे रहा होगा काफ़ी आगे तक। बहुत नुकसान हो रहा है इनकी वजह से फसलों को, तो ये खेती करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। अब पता नहीं आने वाले समय में इनका क्या उपाय होगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग जो है काफ़ी हद तक इस परेशानी को झेल ही रहे हैं। ये हमारा नीम का पेड़ है जिसके साथ अपनी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब ये सूख चुका है और सूखने के बाद भी ये चिड़ियों के बैठने का स्थान आज भी बना हुआ है। दोस्तों, हम लोग फूलों के लिए नर्सरी में जाते हैं, लेकिन कई बार हमको हमारे खेतों में भी इतने प्यारे प्यारे पौधे मिल जाते हैं जो खूबसूरती में किसी खरीदे हुए पौधे से कम नहीं होते हैं। ये काफ़ी नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, परंतु अगर इनको खेतों से लाके इनका संरक्षण किया जाए तो हम इनसे भी अपने लिए एक बहुत अच्छी फूलों की क्यारी बना सकते हैं। ये फूल कैसे लगे आपको बताइएगा ज़रूर। तो अब मैं अपने खेत के लास्ट छोर पर पहुँच गया हूँ। यहाँ थोड़ा सा हमारी धान की खेती को नुकसान हुआ है, क्योंकि शायद ये लोग इसको देख नहीं पाए और जिस वजह से जो है इसके पौधे बैठ गए, उठ नहीं पाए यहाँ पर। तो अब तो इनमें खाद वगैरह डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, अब ऐसे में ही धान आ जाएगा और जो भी आएगा थोड़ा बहुत उसी से संतोष करना पड़ेगा। और ये हमने बाड़ लगा रखी है फसलों से बचाने के लिए। लोहे के एंगल दिखाई दे रहे होंगे, शायद बारीक तार ना दिखाई दे। तो ये हमारा गांव का लास्ट छोर है और ये सामने बड़ा सा पेड़ काली का मंदिर है जहां पर सभी गांव वाले पूजा करने के लिए जाते हैं। काफ़ी पुराना पेड़ है ये।